नए नए पेज पर लिखो मैत्री। मैट्रिक्स मूवी भी आई थी, उसके तीन तीन पार्ट थे, पार्ट वन बड़ी अच्छी मूवी थी। चलिए आइए बात करें मैट्रिक्स की। सब बच्चे मैट्रिक्स पर बहुत ज्यादा विशेष ध्यान दें, ध्यान दीजिए मैट्रिक्स। अब हमारी बात को सुनो, डिटर्मिनेंट की परिभाषा को एक बार याद करो। डिटर्मिनेंट की परिभाषा ये थी, द वैल्यू एसोसिएटेड इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। द वैल्यू एसोसिएटेड इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट, याद आया सब बच्चों को? द वैल्यू एसोसिएटेड इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है, मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती, मैट्रिक्स कोई नंबर या संख्या नहीं है, जो अरेंजमेंट है वही मैट्रिक्स कहलाता है। लिखो लिखो, पॉइंट नंबर वन लिखो डेफिनेशन, पहले परिभाषा लिखो, पॉइंट नंबर वन लिखो डेफिनेशन, लिखिए पॉइंट नंबर वन लिखो डेफिनेशन, लिखो द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स, द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स, द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स, द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स रिटन डाउन बिटवीन, रिटन डाउन बिटवीन टू स्क्वायर ब्रैकेट्स, रिटन डाउन बिटवीन टू स्क्वायर ब्रैकेट्स। रिटन डाउन बिटवीन टू स्क्वायर ब्रैकेट्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स, रिटन डाउन बिटवीन टू स्क्वायर ब्रैकेट्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स, इज कॉल्ड मैट्रिक्स। नेक्स्ट लाइन में काम की बात लिखो, मैट्रिक्स हैज नो वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है, मैट्रिक्स हैज नो वैल्यू, द अरेंजमेंट इटसेल्फ इज कॉल्ड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हैज नो वैल्यू, द अरेंजमेंट इटसेल्फ इज कॉल्ड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हैज नो वैल्यू, द अरेंजमेंट इटसेल्फ इज कॉल्ड मैट्रिक्स। देखो नंबर्स को अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में जमाओ, रेक्टेंगुलर मतलब रोज एंड कॉलम, जैसे ऐसे जमा दिया 1 2 3 4 5 6, ये कहलाता है मैट्रिक्स। स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में नंबर्स को रो और कॉलम में अगर जमा दिया तो ये क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। यहां पर मैंने ये नहीं बोला स्क्वायर अरेंजमेंट, मैंने बोला रेक्टेंगल अरेंजमेंट। रेक्टेंगल अरेंजमेंट का मतलब है कि ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर, बिल्कुल 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है? मैट्रिक्स। जब भी आप नंबर्स को, जब भी आप एलिमेंट्स को ऐसे रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन में जमाते हैं, रो और कॉलम में जमाते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन रो और कॉलम और स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में लिख देते हैं, वो कहलाता है मैट्रिक्स। अब 10 मिनट बोर्ड पर ही देखते रहे, क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। क्या मैट्रिक्स की डेफिनेशन समझ में आई? ये जो अरेंजमेंट है ये व्यवस्था ही मैट्रिक्स है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे डिटर्मिनेंट की तो वैल्यू निकल के आती है, अपन डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके। बट दिस अरेंजमेंट इटसेल्फ इज कॉल्ड मैट्रिक्स, इट हैज नो वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं, द अरेंजमेंट इज द मैट्रिक्स। अब सुनते हैं, मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ये कहलाती है रो, रो वन रो टू, या रो वन रो टू रो थ्री, हमेशा रो की काउंटिंग ऊपर से नीचे होगी, ये कहलाती है रो। ये कहलाते हैं कॉलम, कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री, कॉलम वन कॉलम टू। क्या बात समझ में आई? ध्यान देना, ए आई जे डिनोट करेगा एलिमेंट इन आईथ रो एंड जेथ कॉलम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू रो बाई कॉलम। ऐसे इसके अंदर कितनी रो है? दो। कॉलम कितने हैं? तीन। तो इसका ऑर्डर कितना है? 2/3। इसका ऑर्डर कितना है? 2/3। इसके अंदर कितनी रो है? तीन। कितने कॉलम है? दो। इसका ऑर्डर कितना है? 3/2। क्या बात समझना है? कोई बोले 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यानी तीन रो है दो कॉलम है, मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है रो इंटू
रो इंटू कॉलम। क्या दो बात समझ में आई? क्या दो बात? ओके, काफी सारे नाम हैं, इन नामों पर हम लोग ध्यान देंगे। पहला नाम है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्या नाम बोला मैंने? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का मतलब है जो दिखने में हॉरिजॉन्टल दिखे। सोचो कोई चीज दिखने में हॉरिजॉन्टल कब दिखेगी? जब कॉलम की संख्या रो से ज्यादा हो, कुछ ऐसा 1 2 3 4 5 क्या कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ये नाम ध्यान रखने। अच्छा, अगर एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है तो पक्का एक वर्टिकल मैट्रिक्स भी होगा। भैया मैट्रिक्स को वर्टिकल कब कहेंगे? जब रो कॉलम से बड़ी हो जाए। ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 ये क्या लगाया? वर्टिकल मैट्रिक्स। फिर एक है रो मैट्रिक्स। अरे रुक जाओ, रो मैट्रिक्स को रो वेक्टर भी कहते हैं। इसका मतलब होता है भैया जिसमें केवल एक ही रो है। कितनी रो है? एक रो, 1 2 3 4 क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स, रो वेक्टर। प्लीज बोर्ड पर घुरियाते रहे, रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। अब एक रो वेक्टर है तो एक कॉलम वेक्टर भी होगा। बहुत नॉर्मल नाम है कॉलम वेक्टर, या इसको कॉलम मैट्रिक्स भी कहते हैं। समझ गए होगे भैया, कॉलम वेक्टर या कॉलम मैट्रिक्स, यानी जिसमें केवल एक कॉलम हो। समथिंग लाइक दिस, 1 2 3 4 जिसमें केवल एक कॉलम होगा, ये क्या? कॉलम वेक्टर या कॉलम मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल हो गया, रो हो गया, कॉलम हो गया। एक होता है जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। भैया नल मैट्रिक्स का मतलब ऑल एलिमेंट जीरो, बस सारे एलिमेंट जीरो। ये सब एग्जांपल हैं नल मैट्रिक्स के। नल, सारे एलिमेंट जीरो तो क्या कहलाएगा? नल मैट्रिक्स। और आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहेंगे? जब रो इक्वल टू कॉलम, जब नंबर ऑफ रो और कॉलम बराबर हो जाए तो क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। कॉपी करो तो आगे बढ़ो। कुछ नाम हैं, लेकिन नाम इतने नहीं हैं। नाम तो अभी बहुत सारे हैं, नाम ही नाम चलते रहेंगे। अब सब बच्चे ध्यान से बोर्ड पर देखते। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, आइए बात करें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। कुछ नहीं भैया, हम जानते हैं ये हमारा कोई मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज को डिनोट करते हैं एटी या ए डैश से। किससे? एटी या ए डैश से। किससे? एटी या ए डैश से। और ट्रांसपोज कैसे मिलता है? रो को कॉलम में बदलो। पहली रो का पहला कॉलम, दूसरी रो का दूसरा कॉलम, तीसरी रो का तीसरा कॉलम। ट्रांसपोज कैसे मिलता है? रो को कॉलम में बदलने से। क्या ये बात समझ में आई? क्या ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्लियर है सब बच्चों को? नेक्स्ट, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। कैसे एलिमेंट्स? कॉन्जुगेट एलिमेंट। एसएम, जिस नाम के आगे मैं एसएम लिख दूंगा, यानी उस नाम का इस्तेमाल आप तभी करेंगे जब स्क्वायर मैट्रिक्स। हर नाम हर एक के लिए डिफाइन नहीं है। जिस नाम के आगे एसएम नहीं लिखा है, यानी वह हमेशा डिफाइंड है। ट्रांसपोज के आगे नहीं लिखा मैंने, लेकिन जिस नाम के आगे मैं एसएम लिख दूंगा, यानी आप इस नाम की बात तभी करेंगे जब आपके पास हो स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो आप इस नाम की बात नहीं करेंगे। कॉन्जुगेट एलिमेंट हम जानते हैं ए आई जे एंड ए जे आई, ये दोनों कहलाते हैं एक दूसरे के कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। उसके बाद ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स एस एम। केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, सारे डायगोनल एलिमेंट का सम। मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री। मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है,
तो सारे डायगोनल एलिमेंट का सम समेशन AII क्या कहलाएगा? ट्रेस। नेक्स्ट नाम है डायगोनल एलिमेंट। अगर आप डायगोनल एलिमेंट की बात कर रहे हो तो यानी आप स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हो। कोई भी एलिमेंट जो इस प्रकार का होगा, किस प्रकार का? AII क्या कहलाएगा? डायगोनल एलिमेंट। अगर आप यहां इस डायगोनल को जोड़ रहे हैं, केवल यही डायगोनल होती है बस, जिसके अंदर AII होते हैं केवल वही डायगोनल होती है। जो बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं उनकी बातों को झुटलाओ मत, एज इट इज फॉलो करो। इसके अंदर कितनी डायगोनल है? एक बस, ये और कोई डायगोनल वैगनल नहीं है, यही केवल कहलाती है डायगोनल। डायगोनल की पहचान ही यही है कि डायगोनल के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे कौन से रूप के होंगे? AII। शब्द डायगोनल कब यूज करेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। अगर आप डायगोनल बोलना चाहते हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। कुछ प्रकांड लोग इसके अंदर भी डायगोनल निकाल देते हैं, सर ये रहा डायगोनल। अरे भैया ध्यान रखें, शब्द डायगोनल मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स। मैं बहुत ही क्लियरली हर एक के आगे लिख दूंगा ताकि आपको पता रहे कि इसकी बात स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट, डायगोनल के ऊपर जो ट्रायंगल है वो कहलाता है अपर ट्रायंगल, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। और डायगोनल के नीचे जो ट्रायंगल है वो कहलाता है लोअर ट्रायंगल, ये नाम भी केवल स्क्वायर मैट्रिक्स। बेसिकली पूरा मैट्रिक्स का चैप्टर स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, मुद्दे की बात है ये, टेंशन मतलब। क्या डायगोनल एलिमेंट की बात समझ में आई? क्या डायगोनल एलिमेंट की बात समझ में आई? बहुत सारे नाम है, नामों को समझना। डायगोनल एलिमेंट AII के जो प्रकार का होगा वो कहलाएगा डायगोनल एलिमेंट, A11, A22, A33, और जिनमें ये एलिमेंट होंगे वो कहलाएगा डायगोनल। उसके ऊपर वाला भैया अपर ट्रायंगल, उसके नीचे वाला लोअर द ट्रायंगल। क्या बात समझ में आई सब बच्चों को? और ट्रेस का मतलब भैया सीधा सा होता है, सारे डायगोनल एलिमेंट्स का सम, सारे डायगोनल एलिमेंट का सम। क्या बात समझ में आई सब बच्चों को? इसके बाद आ जाइए डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ये होता है ऑल यूटी जीरो, अपर ट्रायंगल पूरा जीरो, ऑल एलटी जीरो, लोअर ट्रायंगल पूरा जीरो, एंड एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ डायगोनल इज नॉट जीरो। कम से कम एक एलिमेंट, यानी डायगोनल मैट्रिक्स की अगर आप बात कर रहे हैं 1 2 3, ये कहलाएगा डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगल के सारे एलिमेंट जीरो, लोअर ट्रायंगल के सारे एलिमेंट जीरो, अपर ट्रायंगल के सारे एलिमेंट जीरो, लोअर ट्रायंगल के सारे एलिमेंट जीरो, और डायगोनल का कम से कम कोई एक एलिमेंट नॉन जीरो। क्या मेरी बात समझ में आई? बहुत साफ सुथरी भाषा में लिख रहा हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो गया तो भी डायगोनल है, क्योंकि शर्त केवल कम से कम एटलीस्ट वन नॉन जीरो। क्या डायगोनल मैट्रिक्स क्लियर है? डायगोनल मैट्रिक्स के बाद नेक्स्ट नाम आता है स्केलर मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। डायगोनल मैट्रिक्स हूज ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल, एक ऐसा है तो डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होगी सारे एलिमेंट्स इक्वल, डायगोनल एलिमेंट। जैसे 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसे भी लिखते हैं, इसको हम लिख देते हैं डायगोनल 1 2 0, क्योंकि आप जानते ही हो कि अपर ट्रायंगल पूरा जीरो है, आप जानते ही लोअर ट्रायंगल पूरा जीरो है। कहीं पर कोई हमारे नेत्रों के सामने लिख दे डायगोनल √2, यानी भैया उसने डायगोनल बता दिए थे √2 और 1, बाकी सारे एलिमेंट जीरो। कभी कोई हमारे नेत्रों नैनो लोचनों के सामने लिख दे डायगोनल 1 2 3, अरे काहे रो रहा है 1 2 3 0 0 0 0 0 0। डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसे DIAG भी लिख के लिखा जाता है। क्या स्केलर मैट्रिक्स की बात समझ में आई? स्केलर मैट्रिक्स के बाद आता है यूनिट मैट्रिक्स, या इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। यह भी केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होगा भैया, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब होता है
इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स हूज ऑल डायगोनल एलिमेंट्स वन, जिसके सारे एक सारे डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू कितनी है वन, 1001 या तीन ऑर्डर का ले लो 1001001001। ये क्या रहेगा यूनिट मैट्रिक्स, ध्यान रखना नल मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है लेकिन यूनिट मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर ही होगा, नल मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, नल मैट्रिक्स अंदर कुछ भी लेकिन यूनिट मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट नाम आता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, या भी नाम केवल स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है ऑल लोअर ट्रायंगल जीरो, लोअर ट्रायंगल के सारे एलिमेंट जीरो, एंड एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ अपर ट्रायंगल और डायगोनल नॉन जीरो। ध्यान रखना अपर ट्रायंगल और डायगोनल को मिला के कोई एक एलिमेंट नॉन जीरो, अपर ट्रायंगल और डायगोनल को मिला के कोई एक एलिमेंट नॉन जीरो, अपर ट्रायंगल और डायगोनल को मिला के कोई एक एलिमेंट नॉन जीरो। क्या बात समझ में आई बच्चों को, अपर ट्रायंगल और डायगोनल को मिला के कोई एक एलिमेंट नॉन जीरो, यानी भाई जैसे 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0, क्या यहाँ पर ट्रायंगल है, हाँ है, क्या अपर ट्रायंगल है, हाँ है, क्या ये अपर ट्रायंगल है 0 1 2 0 0 0 0 0, हाँ है अपर ट्रायंगल। अब एक का नाम अगर अपर ट्रायंगल है तो बचुआ फिर एक लोअर ट्रायंगल भी होगा, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स या भी स्क्वायर मैट्रिक्स, समझ जाओ इसकी परिभाषा, सारे अपर ट्रायंगल जीरो एंड एट लीस्ट वन एलिमेंट इन लोअर ट्रायंगल और डायगोनल नॉन जीरो। इससे मुझे एक राज की बात पता लगी है कि आप कुछ सोच पाए नवा नवा कि नहीं, क्या ये लोअर ट्रायंगल है, हाँ है। इससे हम एक बात कह सकते हैं इन दोनों बातों से कि डायगोनल मैट्रिक्स इज बोथ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि वो दोनों की परिभाषा को सेटिस्फाई करता है। क्या दिखा कि नहीं दिखा, बोलो हाँ सर, 0 0 1 2 0 0 0 0, ये हो गए, ये हो गए सारे नाम, हाँ बोल। अपर ट्रायंगल भी बोल सकते हैं, लोअर भी डायगोनल भी, यही तो समझा कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल दोनों हो जाएगा, क्योंकि दोनों की परिभाषा को सेटिस्फाई कर रहा, हम क्या करें ऐसे डिफाइन करा करा, कोई दिक्कत सबको सारा नाम इतनी। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, सारे मैट्रिक्स अपन को याद होने चाहिए। आइए और नामों को देखें, सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स भी केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है। अगर किसी मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो है, डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो, तो वो कहलाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू नॉन जीरो है तो वो कहलाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान रखना सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर डिटरमिनेंट, चूंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ रो और कॉलम बराबर है तो आप उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो आती है तो वो कहलाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो नहीं आती तो वो कहलाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बात समझ में आई सब बच्चों को, अरे आई कि नहीं आई। इसके नीचे हम यहीं पर दो तीन बेहतरीन बात देखेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हम ये नाम ऑलरेडी जानते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब है Aij is equal to Aj, conjugate elements बराबर, जबकि skew symmetric symmetric का मतलब है Aij plus Aji equal to zero, conjugate elements का sum zero। इस चीज को भी समझ सकते हैं कि A transpose equal to A, अगर किसी matrix का transpose लेने पर कोई फर्क ना पड़े तो क्या कहलाएगा symmetric matrix, अगर किसी matrix का transpose लेने पर कोई फर्क ना पड़े तो क्या कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बात समझ में आई,
ट्रांसपोज सेम आ जाए, 1 2 3 1 2 3 2 9 8 2 9 8 5, ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आप इसका ट्रांसपोज ले भी लो तो भी 1 2 3 2 9 8 3 8 5 ही है। देखो a12 a21 के बराबर, डायगोनल कुछ भी हो जाए लेकिन नॉन डायगोनल के इधर इधर जो एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट क्या होते हैं, बराबर। और इसकी परिभाषा होगी ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस है। अब यहां से बेहतरीन बेहतरीन बातें अपन सीखेंगे। ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस, अरे माइनस है क्या मतलब है, सुनिए ये है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट तो सबके सब जीरो ही होंगे, डायगोनल एलिमेंट जीरो ही होने चाहिए। ध्यान देना इसके अंदर ऑल डायगोनल एलिमेंट्स जीरो और नॉन डायगोनल का सम जीरो। यहां 1 तो यहां माइनस 1, यहां 3 तो यहां माइनस 3, यहां 4 तो यहां माइनस जी, और नॉन डायगोनल का सम जीरो। अगर आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो पहली रो का पहला कॉलम, दूसरी रो का दूसरा कॉलम, तीसरी रो का तीसरा कॉलम। अब ध्यान रखिए मैट्रिक्स के अंदर, यहां से तारा ए, मैट्रिक्स के अंदर से अगर आप कोई चीज बाहर निकालते हैं तो वो चीज सारे एलिमेंट में कॉमन होनी चाहिए। तो सारे एलिमेंट में से माइनस वन कॉमन लो तो माइनस बाहर आया तो 0 1 3 -1 -3 0 -4 4 0 कितना आ गया, माइनस। ध्यान देना तारा एक बार ध्यान देना, इसको ध्यान सुने। अगर मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स हर एक एलिमेंट उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या बात समझ में आई। उसी प्रकार से अगर मैट्रिक्स में से कुछ कॉमन निकालना है, मैट्रिक्स में से कुछ बाहर निकालना है तो वह हर एक एलिमेंट में कॉमन होना चाहिए। कॉपी करो दो बातें बताऊं, सुबह 3-4 बार चली गई आगे। हाँ स्टार वन पॉइंट लिखो, लिखो इफ एनी फैक्टर इन इज कॉमन इन, इफ एनी फैक्टर इज कॉमन इन ऑल द एलिमेंट्स, इफ एनी फैक्टर इज कॉमन इन ऑल द एलिमेंट्स, इफ एनी फैक्टर इज कॉमन इन ऑल द एलिमेंट्स, इफ एनी फैक्टर इज कॉमन इन ऑल द एलिमेंट्स, इफ एनी फैक्टर इज कॉमन इन ऑल द एलिमेंट्स। अगर कोई फैक्टर सारे एलिमेंट्स में कॉमन है, इफ एनी फैक्टर इज कॉमन इन ऑल द एलिमेंट्स, इफ एनी फैक्टर इज कॉमन इन ऑल द एलिमेंट्स, देन इट कैन बी टेकन आउटसाइड द मैट्रिक्स, देन इट कैन बी टेकन आउटसाइड द मैट्रिक्स, देन इट कैन बी टेकन आउटसाइड द मैट्रिक्स, देन इट कैन बी टेकन आउटसाइड द मैट्रिक्स। इफ एनी फैक्टर इज कॉमन इन ऑल द एलिमेंट्स देन इट कैन बी टेकन आउटसाइड द मैट्रिक्स, देन इट कैन बी टेकन आउटसाइड द मैट्रिक्स। तो आप उसको मैट्रिक्स के बाहर ले सकते हैं। क्या बात समझ में आ गई सब बच्चों को। Then it can be taken outside the matrix. Similarly, if a matrix is multiplied, similarly, if a matrix is multiplied by any element, then all its elements get multiplied by that number. Then all its elements get multiplied by that number. Then all its elements get multiplied by that number. Then all its elements get multiplied by that number. Then all its elements get multiplied by that number. तो उसके सारे के सारे एलिमेंट उस नंबर से मल्टीप्लाई होंगे। क्या बेसिक बात समझ में आई सब बच्चों को, क्या बेसिक बात समझ में आई सब बच्चों को, बहुत ही बेहतरीन। क्या सारे नाम क्लियर है, क्या सारे नाम क्लियर है?
इनका तीन चार और नाम है वो आगे आएंगे। इसके नीचे लिखो एलजेब्रा एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। अब यहां से लगेंगी सवालों की झड़ियां। एलजेब्रा एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, आइए बात करें एलजेब्रा एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। एलजेब्रा एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, आइए ध्यान से एक एक चीज को देखते हैं। एलजेब्रा एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, सबसे पहला एलजेब्रा का पॉइंट है इक्वालिटी। दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे की फोटोकॉपी है। क्या है? दोनों एक दूसरे की फोटोकॉपी। दो मैट्रिक्स इक्वल कहलाएंगे अगर दोनों बिल्कुल एलिमेंट बाय एलिमेंट इक्वल है। दो मैट्रिक्स इक्वल कहलाएंगे अगर दोनों बिल्कुल एलिमेंट बाय एलिमेंट इक्वल है। कैसे इक्वल है? एलिमेंट बाय एलिमेंट। टू मैट्रिक्स यानी कहने का मतलब 1 2 3 ए बी सी इज इक्वल टू एक्स वाई जेड 3 4 5। तो क्लियरली आप कह सकते हैं x1 के बराबर 2y के बराबर 3z के बराबर a3 के बराबर b4 के बराबर और c5 के बराबर। दो मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स क्या है? अरेंजमेंट को वैल्यू तो है नहीं, तो अगर आप बोलेंगे यार ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट बराबर है, यानी इस अरेंजमेंट में जो चीज जहां रखी है वही इस अरेंजमेंट में वो चीज वहीं पर रखी है। क्या बात समझ में आई सब बच्चों को? दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे अगर वो बिल्कुल एलिमेंट वाई एलिमेंट एक दूसरे के बराबर है। क्या ये क्लियर है? दूसरा, सब्ट्रैक्शन। दो मैट्रिक्स तभी जोड़े या घटाए जा सकते हैं, दो मैट्रिक्स तभी जोड़े या घटाए जा सकते हैं इफ देयर ऑर्डर इज सेम। अगर उनको ऑर्डर सेम है और उनको जोड़ घटाकर जो नया मैट्रिक्स आएगा ए बी सी हैव सेम ऑर्डर, एबीसी दोनों का ऑर्डर सेम होगा। और इसका भैया क्लियरली मतलब है नर्सरी क्लास के बच्चों की तरह बिल्कुल एलिमेंट बाय एलिमेंट करना है। ए आई जे प्लस माइनस बी आई जे इक्वल टू सी आई जे। क्या बात समझ में आई थी बच्चों को? कहने का मतलब 1 -1 3 4 -1 2 + 6 9 1 8 9 -1। तो आराम से बच्चों की तरह जोड़िए 1 6 7 8 4 12 8 आराम से एलिमेंट बाय एलिमेंट जुड़ेंगे। क्या एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ में आया? उसके बाद तीसरी चीज है मल्टीप्लिकेशन बाय नंबर। अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? इसके आगे मैं लिखूंगा ऑलरेडी टोल्ड। क्या होगा? उसका हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा। सोचो अगर मल्टीप्लाई करते वक्त हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो कॉमन निकालते वक्त भी वही चीज कॉमन आएगी जो सारे के सारे एलिमेंट में प्रेजेंट हो। क्या बात समझ में आई? चौथी जबरदस्त बात है डिवीजन ऑफ मैट्रिक्स नॉट डिफाइंड। मैट्रिक्स में कोई भी डिवीजन ऑपरेशन नहीं होता। अब एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से डिवाइड नहीं कर सकते। और अंतिम ऑपरेशन प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, इस तरह कुछ नहीं बताना आइज इन डिटर्मिनेंट। कॉपी करो तो इसके अंदर कुछ बातें बताओ। कॉपी करिए, मैं लिखना चाहता ए आई जे इक्वल टू बी आई जे, यानी एलिमेंट बाय एलिमेंट बिल्कुल बराबर। ठीक करे होते हाँ, यहां तो ठीक लिखा हुआ है। देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स के ऊपर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल डिटरमिनेंट की तरह होता है। किसकी तरह? डिटरमिनेंट की तरह। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल डिटरमिनेंट की तरह। डिटरमिनेंट में अपन कैसे मल्टीप्लाई करते थे? रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम। लेकिन किंतु एंड परंतु ए इंटू बी सी है, ए इंटू बी अगर सी है तो इसका मतलब है सी आई जे इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ आईथ रो ऑफ ए एंड जेथ कॉलम ऑफ बी। आईथ रो ऑफ ए एंड जेथ कॉलम ऑफ बी, पहले से लेंगे रो और दूसरे से लेंगे कॉलम। कैसे मल्टीप्लीकेशन होगा? रो बाय कॉलम। अब एक बात और सुनो, ए बी सी अगर ऑर्डर एम बाय एन है तो इसका ऑर्डर एन बाय पी होना चाहिए, यानी इसके अंदर जितने कॉलम हैं इसके अंदर उतने रो होने चाहिए।
अगर ऐसा नहीं होगा तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों? सुनिए जरा, इस इसकी रो का मल्टीप्लीकेशन करना है इसके कॉलम से, तो अगर इसके कॉलम में तीन एलिमेंट है तो क्या रो और कॉलम का डॉट ले सकते हो? नहीं ले सकते, क्योंकि यहां दो है और यहां पर तीन है। लेकिन अगर यहां पर केवल दो है और यहां पर भी दो है तो इसका डॉट इसके साथ पॉसिबल होगा। ध्यान रखना, ए इंटू बी तभी पॉसिबल होगा जब इसके अंदर जितने कॉलम है इसके अंदर उतने ही रो है। इसको मैं हमेशा अलग से बच्चों को लिखाता हूं, ए डॉट बी ओनली पॉसिबल इफ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी। ए के अंदर जितने कॉलम है बी के अंदर उतने ही रोज है। अगर ऐसा है तो ए डॉट बी पॉसिबल होगा, अन्यथा पॉसिबल नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? तोड़ू तोड़ू, वेरी गुड। आई, और इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? अगर इसका ऑर्डर m बाई एन है तो इसका ऑर्डर n बाई पी होना चाहिए और इनका प्रोडक्ट निकल के आएगा m बाई पी ऑर्डर का। सोचो पहले वाले का ऑर्डर कितना है? 2/3। बोलो हाँ सर। दूसरे वाले का ऑर्डर कितना है? सॉरी उल्टा लिख गया, पहले वाले का ऑर्डर है 3/2, दूसरे वाले का ऑर्डर है 2/3। तो जो आउटपुट निकल गया है वो कौन से ऑर्डर का होगा? 3/3। और कैसे मिलेगा? सुनो, दिस इंटू दिस, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 2 प्लस 1 5, फिर दिस इंटू दिस, 4 1 जा 4, 5 2 10 14, फिर दिस इंटू दिस, 6 1 जा 6, 7 2 जा 14 20, फिर दिस इंटू दिस, 3 1 जा 3, 4 2 जा 8, 8 और 3 11, फिर दिस इंटू दिस, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12 32, फिर दिस इंटू दिस, 7 4 जा 28, 6 3 जा 18 18 और 28 46। एक आ गई, दिस इंटू दिस, 6 2 12, 12 और 5 17, फिर दिस इंटू दिस, 6 5 जा 30, 5 4 जा 20 50, और फिर दिस इंटू दिस, 6 5 जा 30, 7 6 जा 42 72। क्या मल्टीप्लाई करने की बात समझ में आई? क्या मल्टीप्लाई करने की बात समझ में आई? एक मिनट रुके रहो, ध्यान रखना, यहां से हम अब बहुत सारी बातें कहने वाले हैं, फिर ही क्वेश्चन पर आ पाएंगे। क्या आज के लेक्चर में तो कोई क्वेश्चन नहीं आ पाएगा? क्या मल्टीप्लीकेशन की बात समझ में आई? कॉपी करो, 10 बातें लिखवाऊ। क्लियर हुआ? सब बच्चों को रोल नंबर मिल चुके हैं? रोल नंबर याद से ले लें, मतलब तो ये कल से प्रोसेस पूरा ऑटोमेट हो जाएगा। कल से आरटी मैंने आज इसलिए नहीं दी, कल आपको डेली टेस्ट मिलेंगे ना, एक मशीन पड़ी रहेगी आपको, उस टेस्ट में बस मशीन के अंदर डालना, उस टेस्ट को डाल के छोड़ देंगे, मशीन एक मिनट में रिजल्ट दे देगी आपका, कुछ भी नहीं करना है, फुल्ली ऑटोमेटेड प्रोसेस। इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन।
बड़े हैं, छाप झाप झाप लो, बढ़ जाएं। दो बातें और बता दूं, समय कम नहीं। पावर ऑफ ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स विल बी डिफाइंड एंड दैट टू ओनली नेचुरल नंबर पावर। पावर ऑफ ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स विल बी डिफाइंड एंड दैट टू ओनली नेचुरल नंबर पावर। अगर आप ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4 पावर की बात कर रहे हैं तो केवल किसकी पावर होंगी? स्क्वायर मैट्रिक्स की, और वो भी केवल नेचुरल नंबर पावर। ए की पावर 0, ए की पावर -1, नॉनसेंस। क्या बात समझ में आई? पावर केवल स्क्वायर मैट्रिक्स की डिफाइन होगी, वो भी कौन सी? नेचुरल नंबर पावर। दूसरी बात, सेम मैट्रिक्स की पावर कम्यूटेटिव होगी। ए की पावर 5 है तो आप a4 into a1 या a2 into a3 या a3 into a2 a1 into a4 कुछ भी लिखिए, तो इसको a+b का होल स्क्वायर या a+b का होल स्क्वायर इंटू a+b कैसे भी लिख दीजिए, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। छाप लीजिए।